सिख कतलेआम पीड़ित वैलफेयर सोसायटी लुधियाणा वालों 1984 दिल्ली अते देश दे होरना थावां ते होए सिख कतलेआम दे शहीदां दी याद विच अज श्री हरिमंदर साहब समूह विखे श्री अखंड पाठ साहब दा भोग पाया गया। इस मौके प्रसिद्ध कथावाचक ज्ञानी पिंदरपाल सिंह ने गुरमत विचार सरवण कराया। श्री अखंड पाठ साहब दे भोग उपरंत दरबार साहब तो भाई गुरदास हाल तक इंसाफ मार्च कढ़िया गया, जिस विच वड्डी गिणती विच संगतां शामिल होईयां। इस इंसाफ मार्च दौरान 1984 सिख कतलेआम दे पीड़ित परिवारां नूं इंसाफ देण दी मंग कीती गई। मेरा नाम गुरदेव कर, मेरे घर का नाम बंत सिंह सी, ते संत कुटिया ने चक्या सानू तो उसके हड्ड भी नहीं मिले गए। मेरे दो बेटियां तीन बेटियां सी, दो बेटे सी, बेटे भी मर गए ते घर भी मुक गया ते सानू वो हड्ड भी नहीं मिले। मैं पार्कां दे विच धक्के खानी हाँ ते मेरे हड्ड भी रह गए, रोटी खाण का भी कोई जुगाड़ है नहीं गा, मेरे अगे पिछे कोई बंदा नहीं। कुड़ियां मेरिया बेटियां ब्याहिया हुई ने, पुत मेरे दोए मुक गए। 36 साल हो गए इस बारे में जी, लेकिन हले तक कोई इंसाफ नहीं मिलया। नहीं जी, कोई इंसाफ नहीं मिलया। देखो सानू तो हड्ड भी नहीं मिले गए। 54 बीच मैं रही सी, संत कुटिया आया ने चक्या, उन्होंने कमटिया मैं एक शस्त्र दिते सी, एक फोटो दिती सी, मैनू कुछ नहीं मिलया। वह मैं धक्के खाँदी फिरदी हाँ, बच्चे मैं घा खोत खोत पाले सी, तो मेरिया बेटे मेरे मुक गए, तो मेरिया धियां ब्याहिया हुई गरीब गरीब दियाँ। इतने मैं बाड़ियों फुल बूटे लाइनी हाँ, धक्के खानी, मेरा कोई कमाई का साधन नहीं, मैं बहुत दुखी हाँ। तो मेरू पर इंसाफ मिलना चाहिए, जिन्होंने मारिया उन्होंने सजावं होनी चाहिए। मेरा नाम सुरजीत सिंह, मैं प्रधान हूँ 1984 सिख कतलेआम पीड़ित वैलफेयर सोसायटी का। पुतला रावण सार लगे राजीव गांधी ने, जिन्हें 10,000 सिखों का कतलेआम करवाया दिल्ली, इन्हें नारा दिता सी, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता धरती हिलती है, खून का बदला खून, सारी साजिश है सी। जे सन सलाहकार सन जगदीश चैटलर, सज्जन कुमार, कमल नाथ, एस के एल भगत, जो पुलिस के बड़े बड़े आला अफसर सन, ये सारी प्लानिंग राजीव गांधी ने बनवाई, इन्होंने अफसर ने बनाई, इन्होंने बनाई लीडर ने, तो सारे सिख मारते। 36 साल लोगों ने इंसाफ भी सू मिले था अज तक। अज बरसी मना रहे 1984 के कतलेआम जे शहीद हुए हैं, दरबार साहब अखंड पाठ साहब बोक बना, उसे पुतला साड़ लगे मुंडा, तो देख रहे हो रावण बन रहा, साड़ लगे कांग्रेस ने। उम्मीद 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 इन्हें क्या सी, मैं SAT बनावगा, फांसी कोटा बनावगा, मोदी साहब ने यही मुकर के ठंडे बसे सारा कुछ पाता। अकाली सरकार भी 3 बारी रही है पंजाब, अकालियों की कह सकते, अकालियों ने चलो मुड़ बछेवा किया थोड़ा बहुत अपना, अकालियों ने बस थोड़ी सजावं देनी, सजावं तो देनी सेंटर ने, भारत सरकार दिल्ली देनी, हेल्प दे भी कर सकते हैं। कांग्रेस सरकार 80 इन्होंने मैंबर MLA सरकार पूरा बहुमत है, ये मता लियान 84 जरा कतलेआम होया वह मता लेके आन, 2 मिनट का मौन रखन, तो सजावं मत लैके सिफारिश कर विधानसभा मता लैके, तो वह भारत सरकार अपील कर जो दोषी सजावं देना, ये तो सरकार बंदा फर्ज मुख्यमंत्री सिख है। अकाली दल भाईवाल रही है BJP, उन्होंने चाहिए नहीं पहला भी इन्ने साल, उन्होंने चाहिए आप कोशिश कर रहे, आस रखते हैं। तुम मोदी साहब की गल की, मोदी तो हम किसान बिल भी विरोधी है, तो लोग सड़कों के उत्ते आज रखी जा सकती है जी। BJP के जी BJP है, ये सिखा एक नंबर दुश्मन है, इस तो बाद कांग्रेस दुश्मन है, एक जो पार्टियां ने आस को किसान रुलते पे ने, सानू 36 साल इंसाफ नहीं मिले, तो पंजाब को खत्म करना चाहते ने जो BJP भी है, रोते पे ने किसानों का बेचारा, जो अन्नदाता है, जेडे इतों कणक जो बीज के झोना बीज के चौल तो कणक पैदा करके सारे हिंदुस्तान का ढिड भरते हैं, 2 महीने हो गए हैं किसान रुल रहे हैं गरीब,
ਬੜਾ ਕਰ ਕਰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ गुरु रामदास जी के चरणों में अखंड पाठ साहब अरदास करे सच्चे पातशाह तू मेहर कर कृपा कर असं बड़ी जुडिशरियां भी गए हैं बड़े तरने मारे ने कोई कामयाबी नहीं मेरी सच्चे पिता तू आप कृपा कर गुरु रामदास जी गुरु ग्रंथ साहब चरण अरदास की है गुरु साहब बख्शिश कर जो दोषी ने उन्होंने सजावा आप गुरु साहब बख्शिश कर बहुत समा हो गया रोस मार्च क्यों कटा गया किसके खिलाफ कटा गया रोस मार्च कांग्रेस के खिलाफ ही जिन्होंने कतलेआम करवाया ठीक है ना ब्यूरो रिपोर्ट पब्लिक टाइम्स वधेरे जानकारी लिए सबसक्राइब करो साडा यूट्यूब चैनल पब्लिक टाइम्स अते नोटिफिकेशन लिए बेल आइकन ते क्लिक करना ना भूलो